है मेडिकल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन FMRA फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो ऑल इंडिया फेडरेशन है विक्रय कर्मचारियों का, उसका आज रैली था। रैली था सर, तो आज आप लोग रैली कर रहे हैं सर, आपका मेन उद्देश्य क्या है सर? हमारा दो उद्देश्य है, कि हमारा मांग के लिए हमारा जो रैली है, दूसरा है पीपल्स मूवमेंट ऑफ मेडिसिन जो आप लोग देखे हैं, कि वो पहले बता ले कि आप देखे हैं कोरोना काल में हेल्थ केयर और मेडिसिन लेके कितना मचाल बना है, और इस मचाल में हम लोग देखे हैं इट इज़ मेनली बिकॉज द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एक पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमारा देश में जीडीपी अभी भी इस कोरोना काल में 2% के नीचे है, और जो WHO का रिकमेंडेशन है 5% होना चाहिए, इसलिए सारे फैसिलिटी नहीं थे, इसलिए इतना लोग मारे गए। फिर भी हम जो है वो जो रेस्ट्रिक्शंस आ गए, लॉकडाउन आ गए, उसलिए कुछ बचा सके, कुछ ज़्यादा बच सके, लेकिन अभी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि द हेल्थ फैसिलिटीज़ आर इम्प्रूव्ड एंड पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में कुछ करना चाहिए। और हमारा देश में जो हम लड़ रहे हैं उसमें कि हमारा देश में आम आदमी 50-60% जो एक्सपेंसेस है वो आम आदमी अपना पॉकेट से खर्चा करते हैं दवाओं के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो भी दवा अपने पॉकेट से खर्चते हैं, तो इसमें और इस कोरोना काल में और उसके बाद में दवाओं का दाम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो एसेंशियल दवा है उसका दाम बढ़े या ना बढ़े 10% एवरी ईयर बढ़ाने के लिए छूट दे दिए गए, सो बढ़ते जा रहा है और आम आदमी का खर्चा बढ़ रहा है और दे कैनॉट अफोर्ड मेडिसिन, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा मांग है कि दवा का दाम कम किया जाए, दवाओं के एसेंशियल मेडिसिन के जो DPCO के तरह पहले था उसमें एक मेडिसिन में कैप किया जाए। आप देखेंगे एक ही दवा एक को कम दाम में मिलता है, एक को बहुत ज़्यादा दाम में मिलता है, ये जो डिफरेंस आता है तो आम आदमी का इसमें बहुत दिक्कतें होते हैं, तो दवा का दाम में कैप किया जाए। हर एक दवा कोई सपोज बुखार का दवा उसमें अभी है पैरासिटामोल में दाम में कैप हुआ है, लेकिन बहुत सारे एंटीबायोटिक में बहुत सारे अदर दवा में नहीं है, तो हमारा मांग है ऑल एसेंशियल मेडिसिन के लिए दाम में कैप किया जाए, उसके दाम घटेगा। और दूसरा जो मुद्दा है वो है दवा में GST 12% तक है, 18% है, और अभी सरकार को तो जो मरीज है उससे तो GST दवा में नहीं लेना चाहिए, इसलिए GST ख़त्म किया जाए, 0 GST ऑन मेडिसिन, ये हमारा दो मुद्दा है सरकार के पास, जिसके लिए हम कल नेशनल कन्वेंशन किए थे, वहाँ पर डॉक्टर्स केमिस्ट का संगठन जर्नलिस्ट सब आए थे नेशनल कन्वेंशन का। और आज का मुद्दा है हमारा जो है जो लेबर कोड्स लेबर लॉस था उसको रिपील कर दिया गया है, उसको जो नया लोग कोड्स ला रहे हैं उसके क्या है, हमारा जो वर्कर्स है हमारा कैटेगरी का वर्कर्स सेल्स प्रमोशन के लिए एक ही लॉ था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, तो लेबर कोड आ जाने के बाद ये लॉ स्क्रैप हो जाएगा, लेबर कोड्स आने के बाद स्क्रैप हो जाएगा, तो हम लोग सब देर विल बी नो लॉ फॉर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज। और ये देख के एम्प्लॉयर्स अभी से क्या कर रहे हैं, मास स्केल टर्मिनेशन कर रहे हैं, मास स्केल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमारा आज का डिमांड है कि प्रोटेक्ट SP एक्ट, स्क्रैप द लेबर कोड्स, दूसरा है कि स्टॉप विक्टिमाइजेशन, कैसे सरकार कैसे विक्टिमाइजेशन बंद करेगा, हम बोल रहे हैं कि सरकार को आप हर एक एम्प्लॉयर को हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर और सेल्स का सेक्टर में एक एडवाइजरी भेजो कि रैम्पेंट विक्टिमाइजेशन बंद करें, और मास विक्टिमाइजेशन 300-400 विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो तो सरकार के नज़र में नहीं ला के नहीं कर सकते अभी तक, तो उसको बंद करें। और तीसरा जो है हमारा जो काम है वो तो काम 2017 में इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टी में नोटिफाई करने का था, लेकिन अभी 5 साल बीत गया वो नहीं काम अभी तक नोटिफाई किया, इसलिए जो काम लॉ के खिलाफ है उसको भी हमसे करवा जा रहे हैं, क्योंकि थ्रेट ऑफ जॉब, सो स्टैचुरी वर्किंग रूल्स लागू किया रहा है। इस डिमांड लेके 3 डिमांड ऑन आवर इश्यूज एंड 2 डिमांड ऑन मेडिसिन इश्यूज ऑफ द कॉमन पीपल, इसको लेके हमारा रैली था। आज रैली में हमारा सारा भारतवर्ष से उन सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़ के सारा भारत के से प्रतिनिधि आए हुए थे, ज़्यादातर प्रतिनिधि नॉर्दर्न स्टेट से था, दिल्ली पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश राजस्थान से आए हुए थे, लेकिन केरल से
मणिपुर से सब जगह से प्रतिनिधि आए हुए थे। हम इस धरना को प्रदर्शन किया, हमारा जुलूस भी निकालना था लेकिन जुलूस का परमिशन नहीं मिला इस सरकार के कारण, पुलिस के कारण। धरना हम यहाँ पर किए और सरकार को मेमोरेंडम दिए हैं। सरकार बोले हैं हमारा मांगे को देखेंगे और नेक्स्ट मंडे को मीटिंग बुलाया, हम देखेंगे कुछ आता है नई मीटिंग से, नहीं तो हम सारा भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसको और बढ़ाएंगे। आपका नाम? मैं FMRI फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शांतनु चटर्जी।